महाराष्ट्र में भी खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र में लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है और एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस छोड़ सकते हैं अशोक चौहान, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अशोक चौहान। चौहान ने आज सुबह विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं एक के बाद एक ये तीसरा झटका कांग्रेस को लग सकता है। इससे पहले बड़े मुस्लिम फेस बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को छोड़ा था और उन्होंने अजीत गुट को अपना समर्थन दिया था, वो अजीत गुट में शामिल हो गए थे। इससे पहले मिलिंद ने छोड़ी थी और वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। और अब अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी मिल रही है, यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो कांग्रेस को भी जो झटका है वो झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, पूर्व सीएम अशोक चौहान के टूटने का असर कितना कांग्रेस पर पड़ेगा अब आप ये समझ सकते हैं। मनोबल टूटेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, चुनावों से ठीक पहले एक एक करके बड़े चेहरे अगर कांग्रेस का हाथ छोड़कर अन्य पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, अन्य पार्टियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति फिलहाल बद से बदतर होती जा रही है। महाराष्ट्र में एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, एक तरफ ये तय नहीं हो पा रहा है कि पूरा का पूरा जो एमवीए है वो कौन सी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटें उद्धव गुट को मिलेंगी, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, कितनी सीटें शरद पवार गुट को मिलेंगी। इन सब के बीच कांग्रेस को यहां पर पर्सनल लॉस हो रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता छोड़ रहे हैं। आप सोचिए पूर्व सीएम अशोक चौहान अगर पार्टी को छोड़ेंगे तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा। और जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बीजेपी के खिलाफ या मौजूदा सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में विपक्ष कर रहा था, उस नैरेटिव को भी एक धक्का लगेगा। आप चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में अशोक चौहान कांग्रेस छोड़ेंगे तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लग रहा है। समीर भी से मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या और जानकारी मिल रही है, क्या वजह है अशोक चौहान की नाराजगी की? बिल्कुल यही फिलहाल जो है, अशोक चौहान जल्दी ही बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। ये बीजेपी के जो आला जनता नेता है उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है, जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के उनकी तरफ से जानकारी आई है कि जल्दी ही अशोक चौहान भी बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम देखे कि जिस तरीके से अशोक चौहान खुद कांग्रेस में साइडलाइन नजर आए हैं, खासतौर पर जब सरकार जाने के बाद से उनकी भूमिका को लेकर काफी सवाल रहे हैं, ऐसे में जल्दी ही अशोक चौहान भी बीजेपी आ सकते हैं इसकी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात की वजह भले ये बताई जाती रही हो क्योंकि कल राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है महाराष्ट्र, उनका जन्मदिन था, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह की सरगर्मियां फिलहाल हम महाराष्ट्र की राजनीति अशोक चौहान को देख रहे हैं उसके चलते जल्द ही वो बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं इस तरह की संभावनाएं बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस वक्त जता रहे हैं। साक्षी, देखिए इससे पहले भी अशोक चौहान के लिए यही अटकलें लगाई गई थी, इससे पहले भी यही अटकलें तेज हुई थी कि अशोक चौहान कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अशोक चौहान ने ही इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया था, कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे, लेकिन एक बार फिर से ये अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि विधानसभा स्पीकर से मुलाकात उन्होंने की है, इसलिए माना जा रहा है कि अशोक चौहान बहुत जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब इसे देखा जाए अगर समीर, तो एक के बाद एक तीसरा बड़ा झटका कांग्रेस को लगेगा और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले तीन बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए? बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र मुंबई में देख रहे हैं, पहले विदित देवरा, उसके बाद बाबा सिद्दीकी और अशोक चौहान। एक बड़ा झटका अशोक चौहान के रूप में हो सकता है कि अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, और ऐसे में जब वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो नांदेड़ जो उनका इलाका उनका गढ़ माना जाता है वहां पे एक बढ़त कांग्रेस को मिल सकती है, बीजेपी को मिल सकती है और बड़ा झटका वहां लगेगा। खासकर नांदेड़ के अशोक चौहान जो है एक मराठा लीडर भी है, ऐसे में बीजेपी में अशोक चौहान के आ जाने के बाद मराठा लीडर्स की जो एक खासतौर पर एक जो कमी है वो अशोक चौहान पूरी कर सकते हैं। फिलहाल एक इस तरीके से राजनीति देखना बहुत जरूरी लाजमी होगा साक्षी, मराठा आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में अपने चरम पर है, ऐसे में एक लीडरशिप की जरूरत है जो मराठा जो लीडर्स है और खासकर मराठा जो कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर चल सके, ऐसे में अशोक चौहान का पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही नहीं, जब पूर्व में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उसमें मंत्री थे उस वक्त की
आरक्षण देने के लिए जो कुछ आगे आकर कदम बढ़ाना था उसके जो समिति थी उसके अध्यक्ष अशोक चव्हाण थे वो अगुवाई कर रहे थे। ऐसे में एक भरोसा जो है मराठा कम्युनिटी को अशोक चव्हाण पर रहा है जिसका फायदा बीजेपी आने वाले समय में उठा सकती है। इसलिए अशोक चव्हाण के आ जाने से न सिर्फ अशोक चव्हाण बल्कि नांदेड़, खासकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके का मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है तो महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा का हम क्षेत्र कहते हैं जिसमें बीड है, नांदेड़ है, परभनी है, इस तरह के इलाके आते हैं, ऐसे में वहां की राजनीति को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और एक बड़ा चेहरा है ऐसे में जब चुनाव बिल्कुल अपने आने को हो, ऐसे में एक बड़ा चेहरा अगर आपके पास आ जाए तो उसका फायदा किसी भी राजनीतिक दल को होता है, वो राजनीतिक दल उस तरह का फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। साक्षी बिल्कुल वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और उनका टूटना कांग्रेस के मनोबल को जरूर तोड़ेगा, उनका टूटना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरूर उनकी जो उत्साह है उसको तोड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़ी क्षति हो सकती है। नांदेड़ की अगर हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली परिवारों में से आते हैं ये अशोक चव्हाण, और ये अगर टूटेंगे तो नांदेड़ सीट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से मराठा को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको लेकर भी प्रभाव पड़ेगा, और बीजेपी जो कोशिश कर रही है या एनडीए जो कोशिश कर रहा है उसे आप ये कह सकते हैं कि उसे एक ताकत जरूर मिलेगी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले।